वेलकम टू गुरुकुल एग्री बात करते हैं नब्बार्ड रिक्रूटमेंट 2021 की तो नोटिफिकेशन दो से तीन महीने एक्सपेक्टेड से लेट आया है हर साल ये अगर पिछले साल को भी छोड़ दे तो ये अप्रैल में नोटिफिकेशन आता था पिछले छह से सात साल में हर और नब्बार्ड का एग्जाम एवरी ईयर ये कंडक्ट किया जाता है और आई इसे कंडक्ट करता है ये पहले अगर देखा जाए तो ये नाइन्टी से नाइनटी जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ये वाले की मैं बात कर रहा हूं है ना इसमें वैकेंसी आती थी ये 90, 92, 91 नाइन्टी वन यहां पर रहती थी इस बार वैकेंसी है वो 148 है तो 148 है टोटल तीन सेक्शन में नबार्ड ने वैकेंसी निकाला है तीन इसके सीरियल नंबर हैं असिस्टेंट मैनेजर है ये ग्रेड ए में है बाद में जो मैनेजर है ये ग्रेड बी ये थोड़ा हाई लेवल है इसका मतलब सेकेंड लेवल है ठीक है पहले अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आप आफ्टर फोर टू फाइव ईयर आप जो है मैनेजर बन जाओगे ग्रेड बी तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है यहाँ पे लेकिन वैकेंसीज़ कम है इसका थोड़ा जो पैटर्न है वो थोड़ा uh, अलग है तो ये जो है नॉर्मल नाइन्टी परसेंटेज जो कैंडिडेट है नाइनटीन नाइन टू नाइन्टी फाइव वो ये वाला जो ये वाला जो आर डी बी एस में जो हमारा रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसको सब ये फिल करेंगे तो इसी के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं और पैटर्न जो चेंज हुआ है पैटर्न ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हुआ है थोड़ा इन्होंने बस क्वालिफाई कुछ सब्जेक्ट को कर दिया है और मेरिट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बेस होगी इन्होंने अलग कर दिया है उसके ऊपर बात करेंगे ठीक है तो टोटल अगर देखा जाए तो आर की जो 148 वैकेंसीज हैं तो 148 में से ये जो जनरल के लिए है ये है 74. ये नॉर्मली 50 परसेंट ही होती है और इस बार भी 50 परसेंट है हर बार ये 50 परसेंट जर्नल के लिए हो जाता है जनरल का मतलब इसमें क्या है कि जो प्रीलिम्स है वो सबके लिए सेम रहेगा ठीक है लेकिन मेंस में जाके जो एक सब्जेक्ट है उसको डिस्क्रिप्टिव अलग हो जाएगा ठीक है एक सेक्शन यहाँ पे अलग हो जाता है बाकी यहाँ पे जो नंबर दो से लेके और नंबर ग्यारह तक ये स्पेशल डिसिप्लिन है और इन सभी में अलग अलग वैकेंसीज है यहाँ पे एग्रीकल्चर के बच्चों को भी आगे डिवाइड किया गया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एनिमल हस्बेंड्री फिशरी फोरेस्ट्री प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर तो सबको अलग अलग किया गया है फ्री है वो सबका सिमिलर होगा ठीक है तो यहाँ पर जो टोटली एग्रीकल्चर में देखा जाए तो तेरह वैकेंसी है ये दिखने में तेरह लग रही है लेकिन पहली बार ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है नहीं तो ये यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट में आया करती थी और ये मैक्सिमम आठ या बारह मैक्सिमम अभी तक नोटिस की गई हैं तो सबसे ज़्यादा है और लैंड डेवलपमेंट को अलग किया है सोयल साइंस को ये दो यहाँ पर इनकी अलग है तो टोटल आप किसी भी जो भी आप स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो आप उसी में फिल कीजिएगा और अगर आप जनरल में फिल करना चाहते हो तो एक में फिल कीजिएगा अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जो राजभाषा के लिए एलिजिबल है तो वो जनरल या राजभाषा दोनों में से एक में फिल कर सकता है मतलब अगर आप नब्बार्ड का पेपर देने जा रहे हो तो आप एक ही यहाँ पे पोस्ट के लिए एक ही डिसिप्लिन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अगर जॉब की बात करें ना अगर ये देखा जाए कि सबसे बढ़िया जॉब कौन सी है तो सबसे अगर देखा जाता है माना जाता है तो यूपीएससी ठीक है आफ्टर यूपीएससी हम मानते हैं कि आर की जॉब अच्छी है ठीक है आर के बाद जो आता है वो आता है नब्बार्ड नब्बार्ड तो ये अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो एग्रीकल्चर में सुप्रीम पोस्ट है ये सुप्रीम पोस्ट क्योंकि ये जो है आगे चल के थोड़ा इसके ऊपर बकवाद करेंगे लेकिन नब्बार्ड जो है ये एग्रीकल्चर में सबसे इजी जॉब और सबसे कन्वीनियंट जॉब है तो इसमें बेसिकली है क्या कि ये जो टोटली वन रेशो ट्वेंटी फाइव के रेशो में कैंडिडेट है वो मेन्स के लिए बुलाएंगे और आगे इंटरव्यू में वन रेशो थर्ड के ए, रेशो में बुलाए जाएंगे जैसे कि यहां पे अगर 148 कैंडिडेट है तो इसको 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे ओके और आगे चल के ये इंटरव्यू में ये थ्री से मल्टीप्लाई होंगे और आगे थ्री में से एक को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनली तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात है एलिजिबिलिटी वैसे सबको पता ही है मेरे ख्याल से वैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं 2021 जुलाई एक तक इन्होंने बोला है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जो आप जो स्टूडेंट बैचलर होल्ड है चाहे वो डिस कोई भी डिसिप्लिन में है और चाहे स्पेसिफिक स्ट्रीम में है स्पेसिफिक स्ट्रीम मेरे बोलने का मतलब है जो ये वाले हैं ना एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप, आप ये यह यहाँ पे पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जा रहे हो तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक जो आपका स्ट्रीम है उसमें जो आपकी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो सिक्सटी परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे कोटा होल्डर हो यहाँ पे एस सी या पी डब्ल्यू कैंडिडेट हो तो यहाँ पे 55 परसेंटेज भी आपकी चलेगी और एनी डिसिप्लिन अगर आप जनरल के लिए फिल कर रहे हो तो बात वहीं पे ही है ये परसेंटेज यहाँ पे सेम रहने वाली है तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सेवनटीन्थ ऑफ जुलाई को शुरू हो जाएगी और सेवनटीन ऑफ अगस्त को यहाँ पे क्लोज हो जाएगी अब इन्होंने एग्ज़ाम का बोला है कि अगस्त के लास्ट वीक में या फर्स्ट सितंबर में तो इन दोनों में ही आप यहाँ पे पूरी पूरी उम्मीद कीजिएगा अगर थर्ड वेव का कुछ भी यहाँ पे मतलब हमें फ़र्क नहीं दिखने को मिलता है तो ये एग्ज़ाम यहीं पे ही कंडक्ट करवाया जाएगा लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये ये इन्होंने टोटली बोला है कि हम एग्ज़ाम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं आगे पीछे डेट कर सकते हैं ये टोटली थर्ड वेव के ऊपर डिपेंड करेगा वैसे ही जो मेन्स का है मेन्स का भी इसके बाद ही नब्बाड़ की वेबसाइट के ऊपर ये अनाउंस किया जाएगा तो अब पैटर्न कौन सा चेंज हुआ है तो ये है लास्ट ईयर का जैसे पहले होता था थोड़ा सा इन्होंने अब क्या किया है कि एक तो इन्होंने यहां पे डिसीजन मेकिंग का बोल दिया है डिसीजन मेकिंग ये समझो कि जैसे आपको कोई भी डिसीजन लेना है आपको कंडीशन दी जाएगी अब ये जो है ये सवाल थोड़ी एक मतलब ये मानो कि ये एक लॉजिकल टाइप हो जाते हैं कि आप लॉजिक कौन सा लगाते हो तो वैसे दस नंबर का है पहली बार ये ऐड हुआ है तो मेरे को लगता नहीं कि इसका कुछ आपके ऊपर फर्क पड़ने वाला है क्योंकि पहली बार है और इतना नॉर्मल ही है ये और दूसरा टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये बिल्कुल सेम है इंग्लिश चालीस नंबर की होती थी तीसरे नंबर की कर दी गई है यहाँ पे जो कंप्यूटर नॉलेज है वो 20 का 20 का ही था जो क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड वो भी 20 का ही था आगे चल के जो जनरल अवेयरनेस है वो भी पहले 20 का था अभी 20 का है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज हैं ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नबार्ड में अगर आप नबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अगर मेन्स की भी क्वालिफाई करने का सोचना है ना तो ये जो है ना सेवन्थ नंबर और स्पेसिफिक वाले एट्थ नंबर ये दोनों को ही आप रेडी रहिएगा तो ये दोनों के लिए पूरे रेडी रहिएगा तो यहां पे भी ये प्री में इनका मार्जिन है वो 40% परसेंट है 40% परसेंट दोनों का है फोर्टी परसेंटेज ईजीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ऊपर वाले हैं ना ये जो वन से लेके फिफ्थ वाले हैं ये सारे इन्होंने क्वालिफाइंग सेक्शन बोला है मतलब सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करनी है पिछली भी पहले क्या होता था कि इनके मार्क्स 200 में से काउंट होता था जैसे यहाँ पे 200 लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे 200 मार्क्स का होता था और कट ऑफ 200 मार्क्स में से बनती थी लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि मार्क्स 200 ही होंगे लेकिन मेरिट लिस्ट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये सिक्स नंबर सेवन्थ और एट्थ नंबर इन्हीं तीन सब्जेक्ट के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी मतलब अगर आप इन सभी में क्वालिफाई हो तो फाइनल मेरिट आपकी हंड्रेड में से काउंट की जाएगी और वो ये वाले सब्जेक्ट में से होगी ठीक है और फिर आप आपका है आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए जो मेंस का एग्जाम है जर्नलिस्ट के लिए जो जनरल पोस्ट के लिए भर रहे हैं उनके लिए मेन्स का एग्जाम है दो हिस्सों में है पेपर वन पेपर टू अब पेपर वन जर्नल इंग्लिश का है ये हंड्रेड मार्क्स का है ठीक है तीन इसमें क्वेश्चन होंगे एक के लिए आपको थर्टी मिनट दिए जाएंगे और ये डिस्क्रिप्टिव होगा टोटली totally आपको कोई प्रोसेस यहाँ पे लिखने को बोलेंगे कोई भी आपको तीन यहां पे क्वेश्चन आपको इजिली यहां पे मिलेंगे और ये यहाँ पे पेपर सेकंड है पेपर सेकंड में यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू जो वही फोर्टीन नंबर का इसमें प्रिय है ये यहाँ पे टोटली totally डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा यहाँ पे छह क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको चार अटेम्प्ट करने होंगे चार में से जो दो होंगे वो डिफिकल्ट लेवल के होंगे दो होंगे बहुत हार्ड लेवल के होंगे और दो होंगे ये मॉडरेट लेवल के होंगे अब जो डिफ़िकल्ट वाला वो बोल देंगे पंद्रह मार्क्स का एक होगा और जो मॉडरेट लेवल वाला होगा वो दस मार्क्स का एक होगा मतलब ये डिफ़िकल्ट के तीस और इसके बीस तो टोटल ये पचास का हो गया और बाकी का जो पेपर सेकंड है उसमें से इन्होंने बोला कि हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू के 30 क्वेश्चन यहां पे ऑब्जेक्टिव देंगे और इसकी वेटेज है ये 50 रहने वाली है तो मतलब आप अगर 30 क्वेश्चन यहां से और वेटेज 50 रहने वाली है तो ये एक बहुत ही मतलब अलग है और टोटली totally यहां पे भी देखो कि इकोनॉमिक इशू का 40 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 40 परसेंटेज है तो यहाँ पे ये यह 50 परसेंट रोल प्ले कर रहा है 50 परसेंट यहाँ पे और 50 परसेंट यहाँ पे ये वाला डिस्क्रिप्टिव तो ये दोनों को मिला के अगर 100 परसेंट माने पेपर टू में तो 50 परसेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का और बाकी अगर आपने ये पढ़ रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव इजिली लिख पाओगे क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड और आपका जो क्रिस्प करने की नॉलेज है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तभी लिखा जा सकता है जब आपको किसी भी आप टॉपिक को बिल्कुल एज ए क्रिस्प लिख पाओ ये बात मेरी हमेशा याद रखना क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया जाए कि वेलफेयर इकोनमी अब अगर इकॉनॉमी का है तो ओब्वियसली यहाँ पर इकोनॉमी आने वाला तो छोटा सा टॉपिक अगर आपको दें कि वेलफेयर इकॉनॉमी बस इतना लिखा हो तो बोला हो कि यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखना है इसका ठीक है या यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखना है तो यहाँ पे जो वेलफेयर इकोनॉमी को सोचते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या स्टक करता है और आप क्या वहाँ पर सोचते हो और क्या फैक्ट आपके दिमाग में आते हैं और क्या आप लिखते हो बस वही चीज़ है बाकी कोई यहाँ पर मैटर नहीं है कि आप कितना पढ़े हो आपने क्या क्या पढ़ा है बस प्रेजेंट ऑफ माइंड उस टाइम पे जो आपको सिर्फ दो से तीन वर्ड में बोलेंगे कि ये है अब आप उसको कैसे समझोगे क्या आपके मन में आता है कौन सा फैक्ट आप कलेक्ट करते हो और कैसे शुरू करते हो कैसे एंड करते हो ये टोटली यहाँ पे आपका स्कोरिंग सेक्शन यहीं पे जो आपका डिपेंड रहने वाला है सेम केस अगर बात की जाए स्पेशलिस्ट की तो स्पेशलिस्ट में और कुछ चेंज नहीं है सिर्फ ये वाले सेक्शन में चेंज है कि जो इको और ये यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना जो सोशल इशू की रहेंगे इसी के भी लेकिन यहां पे इन्होंने बोला है स्ट्रीम स्पेसिफिक अब देखिए स्ट्रीम स्पेसिफिक है ना तो कितने भी चल जाना वो वो घुमा फिरा के ए आर डी और यहीं पे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड ले आएंगे वो कैसे ना कैसे करके उसको ऐसे एक री रिन्यूएबल रिसोर्स हुए या कुछ भी हुए उनको इस टाइप से ले आएंगे कि आपको उनकी आपको एक बार पता होगा उनका क्योंकि आप उस फील्ड के हो और आपको वो टॉपिक के ऊपर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका प्लस पॉइंट रहता है ठीक है लेकिन यहां पे अगर आपको उस टाइम पे आपके पास फैक्ट कौन से हैं ये ज्यादा मैटर करता है जो फैक्ट हैं वो कैसे हैं और आप कैसे उसको लगा रहे हो ये भी यहाँ पे पूरा मैटर करेगा और ये सेम ही है कि थर्टी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे जो छह क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे और पचास पचास की वेटेज फिर इनकी वैसे ही रहेगी और वैसे ही ये रहने वाला है आगे पचास नंबर का इन्होंने बोला है कि हम इंटरव्यू लेंगे जो पचास मार्क्स का होगा टोटल फाइनल जो अलॉटमेंट होगी वो टू में से होगी फ्री टोटली जस्ट एक क्वालिफाई है ठीक है मतलब मेंस के स्कोर फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे 100 मार्क्स यहाँ से और टोटली totally ये 50 और 50 यहाँ से तो 200 प्लस ये 250 250 में से फाइनल आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है आगे बात करते हैं सिलेबस की तो सिलेबस बेसिकली इन्होंने जो ग्रेड ए है ग्रेड ए में इन्होंने आर में इन्होंने इंग्लिश का तो इन्होंने बता दिया कि हम प्रोसीज लिखा लेंगे ऐसे लिखा लेंगे जो नॉर्मल होता है कुछ ना कुछ ये मतलब ये जस्ट एक वैसे ही है कि आपको बता दिया कि हम ऐसे लिखाएंगे और टॉपिक का कोई भी सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है दूसरी बात करें यहाँ पे इन्होंने जो जनरल डिसिप्लिन है जनरल डिसिप्लिन में पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में पे इन्होंने ये वाला पूरा यहाँ पे वन वर्ड मतलब एक एक वर्ड यहाँ पे इन्होंने बताया है आप पीडीएफ देखना नोटिफिकेशन की नब्बाड़ी वेबसाइट पे जाना ऐसा नंबर व, व, वन उठाना वन एंड टू और, और उसमें से वन को फॉलो करना आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन वाले हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए उन्होंने बोला है कि हम ये वाला हम नबार्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे मतलब अभी नहीं है हम अपलोड कर देंगे कि आपका डिस्क्रिप्टिव कौन सा रहने वाला है और होपफुली ये मेरे ख्याल से प्री के बाद ही करेंगे पहले नहीं करते पहले करते हैं तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए लेकिन अगर करेंगे तो आप अगर जो भी आपने आज तक पढ़ा आपके स्पेशलाइज स्ट्रीम में उसी में से आने वाला है और ये जो है टोटली totally आपका यहाँ पर जो आप इनकी प्रिपरेशन करोगे या यहाँ पे प्रिपेयर करोगे यहाँ पे ये वहीं में से रहने वाले हैं और टोटली totally ये रिलेटेड होंगे आपकी इकोनॉमी के चाहे जितने भी टॉपिक होंगे ना वो इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे वो ही इंपॉर्टेंट होंगे डिस्क्रिप्टिव में हमेशा याद रखना आगे थोड़ी सी बात करेंगे इसकी सर्विस की वैसे तो अगर आज के टाइम में अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब लगती है चाहे वो पंद्रह हज़ार रुपये की हो वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए लेकिन नबार्ड एक ऐसी जॉब है जिसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रॉस जो मंथली जो इनका रहेगा ठीक है वो सत्तर हज़ार बोल रहे हैं और इसके साथ जो प्रिय ये ये यहाँ पर इन्होंने टोटली अकोमोडेशन का बताया है अकोमोडेशन वैसे नबार्ड की बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि पहली बात तो ये कैपिटल में जॉब होती है कि इंडिया में जितनी भी कैपिटल है ऑलमोस्ट सभी में नबार्ड का ऑफिस है सभी में इसके अकोमोडेशन हाउस अवेलेबल हैं और इनकी इतनी फैसिलिटी होती है ग्रेड ए है और ये सत्तर हज़ार ये मान के चले यहाँ पे इन्होंने ग्रॉस बोला है तो इनिशियली आपके हाथ में अगर यहाँ पे सिक्सटी बी आता है और स्टार्टिंग और बाकी की अकोमोडेशन अगर टोटली सारा मिलाओगे तो आपको ये यहाँ पर एटी से नाइन्टी के, के अराउंड पड़ेगा और ये आफ्टर टू टू थ्री ईयर वन लाख हो जाता है और ये बहुत अच्छी जॉब है खैर रुपए की बात नहीं करते हैं यहाँ पे अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना जो सिक्योरिटी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे हम बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में बाकी इसके अलाउस पर्कस और छुट्टियाँ और जो मतलब इसका वर्किंग इन्वायरमेंट है ना वो सबसे मतलब अच्छा है सभी जितने भी बैंक हैं आर जो है नंबर एक पे है आर की जो पोस्ट है उसके बाद नब्बाड़ बस ये दो जॉब बैंक में सबसे अच्छी है क्योंकि एक तो वर्किंग जो है वो फाइव डेज है ठीक है और फिक्स है न, न, नाइन थर्टी टू ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्स होगा या फाइव थर्टी होगा बस इतना ही और दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि डे एंड करना और कस्टमर डीलिंग बिल्कुल नहीं है आपको जितना भी काम करना है आई वगैरह के साथ करना है और यहाँ पर इकोनॉमी के रिलेटेड ही रिसर्च करनी है और एक स्पेशल फील्ड में करना है और आपको पता है कि आपको कल क्या करना है परसों क्या करना है आपको पता है बैंक में अगर आप ई में क्या होता है कि आपको एकदम से आरों से भी फोन आएगा तो वो बोलेंगे कि जल्दी से लॉग इन डे कोई ट्रैक्टर लोन कीजिए तो वो थोड़ा एक हैक्टिव हो जाता है एक जॉब में कि हर दिन आपको नया टारगेट मिलता है तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है ये ना तो इसमें कोई टारगेट अचीव करने का है कि आप ये वाला टारगेट अचीव करो आज आज ही के दिन में करो ये यहां पे पॉवर्टी को रिड्यूस करने की जो स्कीम्स हैं उसमें रिसर्च टोटली आर एन डी के बेसिस है और ये रूरल इंडिया जो फार्मर्स हैं हमारे पॉवर्टी में जो सेक्शन है उसके ऊपर ये काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही प्यारी जॉब है चाहे आप अगले साल के लिए तैयार करो चाहे दो साल के बाद चाहे आप तीन साल के लिए तैयारी करो चाहे फर्स्ट ईयर में हो लेकिन अगर आप नबाड़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा और जो इकोनॉमी से रिलेटेड जैसे मैगजीन्स हैं जैसे कोई क्षेत्र हुई योजना हुई और भी बहुत सारे जैसे मैगजीन्स होती हैं साथ में वो पढ़िए और जितने भी आर्टिकल्स हमारे रूरल इंडिया के इकोनॉमी के रिलेटेड आते हैं हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी कुछ रिपोर्ट्स हो गई ठीक है आरबीआई को विज़िट कीजिए तो रेगुलर इसके टच में रहिए अगर आप नबाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नबार्ड के साइड को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि अगर आप चाहे दो साल बाद एग्ज़ाम देने वाले हो लेकिन आपको लिए नबार्ड हर साल एग्ज़ाम आता है और हर साल ही आएगा क्योंकि इसमें एक तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय फिक्स हैं इसके लगभग 5000 थाउजेंड एम्प्लॉय हैं उतने रिटायर हो जाते हैं उतने न्यू हायर कर लेते हैं बस इनका यही सिस्टम चलता रहता है और हर साल इनका वो ही एक सिस्टम पे चला आ रहा है और जो इनकी वैकेंसीज है वो लगभग इनकी 100 के अप्रॉक्स आप मान के चलो ना ये कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही हैं बल्कि इस बार थोड़ी ज़्यादा ही आई हैं क्योंकि दो तीन महीने नोटिफिकेशन लेट आया है तो थोड़ी यहाँ पर बड़ी है और कुछ नहीं जी गुरुकुल एग्री बाढ़ का क्वेश्चन लेके आ रहा है प्री मेंस और इंटरव्यू का आपको कोई भी डिटेल चाहिए आप गुरुकुलग्री डॉट कॉम को विजिट कर सकते हो चाहे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल